एक बात है कि हरियाणा में रूरल इंडस्ट्रीज का एक दौर चला था। उस टाइम पे बैंक वालों ने एक बुजुर्ग गांव के से कहा कि तुम भी एक इंडस्ट्री खोल लो। उसने मना किया, लेकिन उन्होंने एक मुर्गी खाने का लोन उसको दे दिया और वो बुजुर्ग जो है उसने मुर्गी खाना खोल लिया। एक दो महीने के बाद बैंक का कर्मचारी उसके मुर्गी फार्म पे पहुंचा और उसने उसका मुआयना किया। मुआयना करने के बाद उस कर्मचारी ने ताऊ से पूछा कि इन बच्चों मुर्गी के बच्चों को क्या खिलाते हो। तो उन्होंने कहा कि काफी पैसा खर्च हो गया और घास फूस खा के ये तो जिंदा रहते हैं। तो कर्मचारी ने कहा कि इस तरह से तो तुम्हारा मुर्गी खाना बंद हो जाएगा, मैं तो सिफारिश करूंगा कि भी ये नहीं चला सकता। तो बुजुर्ग ने उसके 200 रुपये जेब में डाल के कहा कि आगे से ख्याल रखूंगा जनाब। तो वो कर्मचारी चला गया। 2 महीने के बाद फिर आया और फिर उसने मुआयना किया उसके मुर्गी फार्म का। मुआयना करने के बाद फिर उसने पूछा कि इन चूजों को क्या खिलाते हो। तो बुजुर्ग ने कहा कि इनको काजू खिलाता हूँ, अखरोट खिलाता हूँ, किशमिश खिलाता हूँ। तो कर्मचारी ने कहा भाई तू तो फेल करवाएगा इस पूरे प्रोग्राम को, तेरी तो सिफारिश करनी पड़ेगी कि तेरा पैसा वापस लिया जाए। तो बुजुर्ग ने फिर 200 रुपये उसकी जेब में डाल दिए और कहा कि जी आगे से ख्याल रखूंगा। 2 महीने के बाद वो कर्मचारी फिर पहुंचता है और फिर वो मायना करने के बाद यही सवाल करता है कि इन चूजों को क्या खिलाते हो। बुजुर्ग ने कहा कि देखो अब तो चूजे बहुत बड़े हो गए हैं, कुछ मुर्गियां अंडे भी देने लगी हैं, मैं इनकी खूब देखभाल कर रहा हूँ। लेकिन कर्मचारी ने पूछा कि ये बताओ कि खिलाते क्या हो। तो बुजुर्ग बड़ा असमंजस में फंसा और उसने कहा कि मैं तो इनकी कैश पेमेंट कर देता हूँ, जो इनका दिल करे खा ले। तो ये है कि कैसे भ्रष्टाचार जो है हमारे समाज में फैला हुआ है और आम आदमी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। धन्यवाद।